अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये है सिंहगढ़ फोर्ट का, जो कुंडाना नाम से भी जाना जाता है। ये वही फोर्ट है जहाँ तानाजी मूवी के तानाजी मालुसरे जी की समाधि है। और भी बहुत कुछ है देखने को, पर स्टार्ट से देखते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है तारीख 7 जुलाई 2024 और मैं जा रहा हूँ सिंहगढ़। सिंहगढ़ में छुपे इतिहास को जानने और वहाँ के नेचर की ब्यूटी का आनंद लेने। करीब 2 घंटा स्कूटी चलाने के बाद मैं पहुँचता हूँ सिंहगढ़ के बेस के पास। सिंहगढ़ के नीचे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। पहले मैं मंदिर के दर्शन करूँगा और उसके बाद सीधा ऊपर ट्रैक करूँगा। तो अभी जस्ट दर्शन किया और यहाँ से निकल के मैं अभी ट्रैक अपना चालू करने वाला हूँ। तो गाइस प्लान चेंज हो गया, मंदिर में दर्शन करने के आने के बाद धूप बहुत निकल गई। तो क्या, फिर मैं स्कूटी लेके ही फोर्ट की ओर निकल पड़ा। 50 रुपए इंटरगेट देके इंटरगेट से अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ से और पता नहीं कितने दूर है। चलो अच्छा ही हुआ मैंने ट्रेकिंग नीचे से स्टार्ट नहीं की, नहीं तो इतना फालतू ही चलना पड़ता था। यार ऊपर आके तो एक बात बड़ी सरप्राइजिंग लगी, इतने ऊपर इतनी बड़ी पार्किंग एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने भी तुरंत स्कूटी लगाई और फोर्ट की ओर निकला। इस फोर्ट के 2 दरवाजे हैं, एक है पुणे दरवाजा जहाँ से मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और दूसरा है कल्याण दरवाजा जो कि साउथ ईस्ट साइड में है। पुणे दरवाजे से अंदर आने पर आपको राइट साइड में जो बिल्डिंग दिखेंगी वो है बारूद का कोठार। आई डोंट नो कि यहाँ बारूद रखा करते थे कि कुछ और, पर इस बिल्डिंग का नाम तो बारूद का कोठार ही है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और ये उबड़ खाबड़ रास्ते से यहाँ पर एक तोफ रखी है, यहाँ आ गया। यहाँ से जो व्यू था पूरा स्वर्ग, चारों ओर कोहरा और ठंडी हवा। यहाँ पर मैंने बहुत फोटोज़ निकाले और आगे तिलक बंगला है वहाँ पे पहुँच गया। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आते रहते थे और 1915 में इसी जगह महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की मुलाकात हुई थी। तिलक बंगले से तकरीबन 400-500 मीटर पर यह है छत्रपति राजाराम जी की समाधि, जो राजस्थानी शैली में छोटा से मंदिर के समान दिखती है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि मुगलों के साथ लगातार 11 साल युद्ध करने वाले छत्रपति राजाराम जी का निधन उम्र के 30 साल में यहां पर सिंहगढ़ में हुआ था। अभी आई डोंट नो कहां जा रहा हूं मैं, इतना कोहरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़े ही आगे ये छोटा सा झरना है जो हवा के तेज बहाव के कारण रिवर्स वाटरफॉल बन गया है, और उसी के थोड़े आगे एक ऐसी जगह है जहां मैं अभी दौड़ते हुए जा रहा हूं, जहां से आप मदर नेचर का खूबसूरत व्यू का आनंद ले सकते हैं। मजा आ गया यार आज, मतलब सिंहगढ़ आने का जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत मजा आया। अभी मैं तानाजी मालुसरे जी के समाधि के पास पहुंच गया हूँ और यह है उनकी समाधि जिनके ऊपर तानाजी मूवी बनाई गई थी। वैसे सिंहगढ़ में तो कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है, पर सबसे फेमस है सिंहगढ़ की लड़ाई जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तीसरी बार इस किले को जीता था उनके सूबेदार तानाजी मालुसरे जी की मदद से। बट सैडली इसी लड़ाई में तानाजी मालुसरे जी को वीर मरण होता है, इसलिए शिवाजी महाराज गढ़ आला पन सिंह गेला, मतलब फोर्ट तो जीत लिया पर लायन को गमा बैठे, ये वाक्य उच्चारे थे। तानाजी के समाधि के एरिया से बाहर आने पर लेफ्ट साइड में कुंडानेश्वर टेम्पल है जहां अभी मैं जा रहा हूं। यह टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और वे यहाँ पर यादव के कुल देवता थे। कुंडानेश्वर मंदिर से नीचे उतरने पर थोड़े ही आगे अमृतेश्वर मंदिर है जो कि भैरव और भैरवी का है, और यहाँ थोड़ी देर हमने आराम किया। हत्ती टाका दिखा जो बाजू में ही है, जहाँ शायद हाथियों को पानी पिलाने के लिए लाया जाता था, और कुछ एक दो प्लेसेस है जो शायद छूट जाएंगे, पर मैं कल्याण दरवाजा जरूर देखने जा रहा हूँ।
यह है कल्याण दरवाजा, ऊंचा और विशाल, जो मेरे हिसाब से पुणे दरवाजे से भी अच्छा दिखता है। यहाँ पर कुछ देर आराम करके फोटोज निकाले, वीडियोस निकाले और जितना हो सकता था उतनी मेमोरीज बनाई और फाइनली फोर्ट को अलविदा कह दिया।